असलम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ ओवर द लाइन पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे लिए एक बहुत ऑनर और जो है एजाज की बात है कि हमें पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन सदाम साहब ने टाइम दिया है कि वो हमारे साथ बैठे, अपनी जर्नी के मुतालिक बात करें और हम फुटबॉल में पाकिस्तान के जो हालात हैं कैसे बेहतरी आ सकती है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टाइम दिया। थैंक यू, वेलकम। तो सदाम जी, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कब खेलना शुरू किया, कब शौक पैदा हुआ, और मेरा ख्याल है जो ज्यादा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि वो एक टाइम आता है जब सोचना पड़ता है कि इसको प्रोफेशन के तौर पे लेना है पाकिस्तान में या नहीं, तो उस टाइम क्या सोचती फिर आपकी? फिर जब बचपन से ही हमें फुटबॉल का, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सारे हमारे कज़न हमारे अपने क्लब फैमिली क्लब थी जो जिसको मैं कंसिडर करता हूँ पाकिस्तान में जो नर्सरी बेस है ना, वो जो लोकल क्लब्स होते हैं टाउन में वो फुटबॉलर्स के लिए नर्सरी होते हैं, वहाँ से बच्चे सीख रहे होते हैं प्लेयर्स भी। इसी तरह मेरा भी उसी तरह वही टाउन के क्लब से हमारे मलीर में, क्योंकि मलीर टाउन में रहता हूँ तो कराची में मेरा होम टाउन है, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। हम यूथ में खेल रहे होते थे, फिर क्लब लेवल है, फिर उसमें जब हम खेलते गए तो इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुआ। सो लॉन्ग जर्नी, उसके बाद एक ड्रीम था कि नेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे। फिर अंडर 19 फेडरेशन चैम्पियन चल रहा 2019 में, तो उसमें मैंने खेला, तो वहाँ मुझे मौका मिला। सेकंड गेम के बाद मेरे अंडर 19 चैम्पियनशिप में मेरे कैंप में नाम आया। उन दिनों तो फुटबॉल होन था पाकिस्तान में। सो लॉन्ग जर्नी, देन ये जर्नी नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ। फिर 78 लड़के थे नेशनल की पूरे पाकिस्तान में, तो जब कैंप में नाम आया तो वेरी एक्साइटेड था। पहली मरतबा एक ख्वाब होता है प्लेयर्स का नेशनल टीम में आना। कैंप में आया तो इस तरह करके ट्रायल्स हुए, तो तकरीबन डेढ़ महीने वन मंथ ट्रायल्स चले, तो उसमें दो तकरीबन फिर 35 लड़के कटे उस ट्रायल से, तो बेस्ट फिर 20 का स्क्वाड बना, फिर उसमें नाम आया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट नाइट कि भाई इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया अंडर 19। देन आया, हम ईरान जा रहे थे, तो ये मेरा फर्स्ट टूर था, और उस रात तो नींद ही नहीं है कि कब सुबह होगा, कब ग्रीन ऑफिशियल कोट पहनेंगे और मुल्क के लिए खेलने जाएंगे। तो ये शॉर्टली मैंने ब्रीफ किया, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए होगा, लेकिन शॉर्टली मैं चाहता हूँ कि अपनी जर्नी को करूँ। इस तरह जर्नी, फिर फुटबॉल आगे मज़ीद चलता रहा हमारा, तो फिर प्रोफेशनली करियर स्टार्ट हुआ। फिर आई स्टार्ट किया PIA से डिपार्टमेंटल, फिर इसी तरह एक ख्वाब था कि यार हमने भी बाहर मुल्क जाके लीग खेलना चाहिए, तो एफर्ट किया, मेहनत किया, ट्रेनिंग की। फिर सर्बियन कोच हमारे नेशनल टीम के कोच बने 2 साल, जब वो यहाँ से गए तो वहाँ किर्गिस्तान में जो हम पहले ही उन्होंने क्लब ज्वाइन किया, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि ये ऐसे कुछ लड़के पाकिस्तान से, एक मैं था और 2-3 हमारे खिलाड़ी थे। हम लोग फर्स्ट टाइम आवर्स अब्रॉड जो है डिफरेंट लीग में जाके पाकिस्तानी प्लेयर लोकल बेस्ट पाकिस्तानी जो है वहाँ खेलने चले गए हम लोग। ये जर्नी मेरा प्रोफेशनली बाहर अब्रॉड लीग खेलने का एक्सपीरियंस फर्स्ट मेरा होता 2015 में। इस तरह फिर हम डिफरेंट जगह लीग खेलते गए, हर सीज़न चेंज करते, फिर बहरेन, साइप्रस, तरह तुर्की, ये जर्नी इस तरह चलता गया। तो अब यही था, जैसे मैं रोल मॉडल हैं और कैप्टन ऑफ पाकिस्तान है, हमारी ख्वाहिशें में हम एग्जांपल हैं। मैं चाहता हूँ तो अपकमिंग जो बच्चे हैं वो इसी तरह फॉलो करें, अल्लाह उनको भी सक्सेस दे, अपना ड्रीम है और वो बड़ा रखें कि अगर आपको दिल है कि आप बाहर जाके लीग खेलें तो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन हमारे टैलेंट जो है वेस्ट हो रहा है। जब आपका फुटबॉल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, लीग अच्छा नहीं हुआ, और बहुत सारे मामला हैं। तो ये इस सब जब आपने खेलना शुरू किया तब भी ये मामला हमारे को बहुत बेहतर नहीं है हिस्टोरिकली आप देखते आ रहे हैं, और मोर लेस वो तवज्जो नहीं मिलती फुटबॉल को जो मिलनी चाहिए। तो उस टाइम थोड़ा डर नहीं था कि अगर मैं अभी करियर बनाने लगा हूँ, घर वालों ने सपोर्ट किया नहीं किया, वो एक डर होता ना आप एक सेफ करियर बना लें, और फुटबॉल एक मुश्किल करियर है पाकिस्तान में। रियलिटी तो यही है, जितने फुटबॉलर्स हैं मोस्टली अभी तो जितने ही फुटबॉलर्स हैं अगर आप देख लें तो फैमिली बहुत ही उनकी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल खेलना पाकिस्तान में, हाँ आप क्रिकेटर बोलेंगे तो फैमिली कहें चलो यार यू नो क्रिकेटरों में पैसा है, फेम है, कवरेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। सोशल मीडिया और जिस तरह यूथ है अपकमिंग, वो फुटबॉल पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हमारी अपनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर भी बच्चे फॉलो करते हैं,
हमारी वो है कि पॉजिटिव को शो करें बच्चों को, ताकि जो हम नहीं चाहते कि डिमोटिवेट करें जो अपने बच्चे, उनका भी डिजायर है जी खेलना, किसी को सद्दाम बनना है, और क्या करें हमारे यहाँ तो बच्चे रोनाल्डो मेसी को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, अपने हीरोज को तो इतने नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं बच्चे वो फॉलो करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, हम भी कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें और जो बेटर से पॉजिटिव इमेज अपना शो करें, ताकि हमारे जो आपको बच्चे आ रहे हैं उनको एक मोटिवेशनल हो मिले कि मोटिवेशनल मिले कि हमने भी कैप्टन बनना है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, या हमने भी सद्दाम भाई या दूसरे हमारे नेशनल हीरोज हैं उनकी तरह जो है ना पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली जाके लीग खेले, उनका नाम रोशन करें। तो ये हर टाइम सवाल होता है कि यार फ्यूचर ऑफ फुटबॉल का क्या है, आप सेलेक्ट किस चीज़ को करें। फैमिली से तो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट था, इतना फैमिली मतलब फाइनेंशियली इतनी वो अच्छी नहीं थी, फिर फेयर नहीं करते थे यार फुटबॉल की तरह, बट माई अंकल एंड सम फैमिली मेम्बर कजन्स, बिकॉज मेरा फैमिली क्लब था, दे नोज के यार सद्दाम के अंदर टैलेंट है, तो दे वो सपोर्ट करते थे, वो फिर मेरे मेरे चाचू हैं और मेरे कुछ कजन हैं, दे विल गो टू स्पीक विद माई फादर के लिए इसको छोड़ दें कि इसके अंदर टैलेंट है ये आगे जा सकता है। सो आई वर्क हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम, पर एक लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी सक्रीफाइस हार्डवर्क के बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बाहर अब्रॉड लीग खेला, अभी भी कंटिन्यू खेल रहा हूँ, ताकि अपकमिंग बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ, मॉडल हूँ, ताकि मेरी विशेज है हमारे पाकिस्तान के अपकमिंग यूथ बच्चे हमसे भी बेटर लीग में जाके खेलें, इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाएँ, डिफरेंट लीग्स में जाएँ जो वर्ल्ड के टॉप लीग्स हैं, लेकिन जाहरी बात है वर्ल्ड के टॉप लीग्स में जाने के लिए आपको अपने लीग को बेटर करना पड़ेगा, अपनी रैंकिंग को बेटर करना पड़ेगा, तब जाके आपके हमारे बच्चे भी वहाँ जाके खेल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने मुख्तलिफ लीग्स में देखे और ऑब्वियसली पाकिस्तान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन आपको अभी अपने जो सारे तजुर्बात हैं उनमें सबसे बेहतर कहाँ मज़ा आया, किस मुल्क में खेल के किस लीग में ज़रा ज़्यादा मज़ा आया खेलने का? अर जो लीग है हर कंट्री में डिफरेंट कल्चर था, तो क्या इंजॉय मैंने किया, तुर्की साइप्रस में मैंने लीग को इंजॉय किया, और दूसरा किर्गिस्तान में मेरा फर्स्ट सीज़न था, उधर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हर कंट्री के लीग का स्ट्रक्चर और लेवल और जो मतलब वहाँ का कल्चर था वो डिफरेंट था, हर जगह आई वॉज इंजॉय एंड लर्न सो मैनी थिंग्स एंड काफ़ी नॉलेज मुझे मिला, जिसको मैं समझता हूँ इन फ्यूचर काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को। सर उसी नॉलेज की बेस पे मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा फुटबॉल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके ख्याल में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, अगर हमें फुटबॉल को बेहतर करना है आज तो पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा? अब बहुत सारी चीज़ें, अभी जो सूरत हाल है तो बिल्कुल मतलब कि कुछ भी नहीं है, जीरो पोजिशन पर बच्चे तो हैं, प्लेयर्स तो हैं, लेकिन उनके लिए एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनली भी बैन लगा हुआ है फुटबॉल को, डोमेस्टिकली भी आपका लीग बंद है, तो बच्चे अब तो लोकल खेल रहे हैं, लोकल फुटबॉल इस तरह होगा कि कुछ है नहीं, लोकल फुटबॉल और एक ऑफिशियल गेम होता है, ऑफिशियल लीग होता है, उसकी एक अलग स्ट्रक्चर होता है और एक मतलब के प्रोटोकॉल होता है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें प्लेयर्स ऑफिशियली परफॉर्म करता है, उसके गोल रिकॉर्ड्स होते हैं जी। और एक मतलब के पूरे एफसी में जाता है रिकॉर्ड को, और जब यहाँ परफॉर्म करके उसकी सीवी बनती है उसको नेशनल टीम में मौका मिलता है, तो लोकल फुटबॉल में तो बस अभी बच्चों को मेन चीज़ है कि जो हमारे हीरोज हैं नेशनल प्लेयर्स हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म नहीं है, डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म था तो उसको भी सुना है कि कुछ डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए हैं, कुछ होने अभी भी, लेकिन वो स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी सुनने में आ रहा है कि वो रिवर्स करेंगे, जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आया था, जो सिर्फ चंद डिपार्टमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और कुछ ने जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया, और यह एक अजीब पॉलिसी था कि चंद डिपार्टमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और कुछ पे नहीं हुआ, तो कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, आधे जो है उनके डिपार्टमेंट बंद है, और हमारा एक ही स्ट्रक्चर यही था डिपार्टमेंट्स का, अगर उसका अल्टरनेटिव दे देते शायद तो बेटर होता, बच्चे जो बेरोजगार हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं अब वो नहीं खेल रहे, तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो स्पेशली मैं तो चाहता हूँ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आए, लेकिन वहीं आती है अमाउंट ऑफ वैल्यू मैटर करता है, आप अगर एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी प्लेयर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए सूटेबल है, अगर आप इससे बेटर लाना चाहते हैं तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि हम बाहर लीग से थे, हम तो चाहते हैं कि प्रोफेशनल फुटबॉल है, लेकिन द मैटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी जो प्लेयर्स को आप दे रहे हैं
और दे गारंटेड होना चाहिए जो भी स्ट्रक्चर या लीग आएगा कि हर साल वो लीग कंटिन्यू होगा या नहीं, या ये जस्ट फ्रेंचाइज टाइप होगा, वन मंथ का लीग होगा, उसमें थोड़े बच्चों को पैसे मिलेंगे, उसके बाद बच्चे रुल रहे होंगे, ये लीग भी नहीं होगा, इस तरह का मतलब कोई स्ट्रक्चर ना आए। बाकी जो अभी मामलात हैं, बस दुआ करें कि जैसे जल्द जो अनबन है, फीफा बैन है, और लैप्ट हो जाए, हमारे बच्चों को मौका मिले जल्द से जल्द बाहर खेलने का। तो थोड़ा हमें अपने होम टाउन के मुतालिक बताइएगा, क्योंकि वो हब समझा जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान का टैलेंट है, और एक हम अल्लाह करे इतफाक हो कि हम जाने का भी इतफाक हो, लेकिन यहाँ से बैठ के हम सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। तो उसके मलिर के हवाले से कुछ बताइएगा, वहाँ पे क्या कितने क्लब्स हैं, अंदाजन कितने बच्चे हैं, क्या माहौल होता है वहाँ पे फुटबॉल के हवाले से? फुटबॉल का माहौल तो काफ़ी डिफरेंट, मतलब कि बहुत कल्चर है, बहुत फुटबॉल का क्रेज़ है वहाँ, काफ़ी ग्राउंड हैं, और आई थिंक वन ऑफ द ओनली डिस्ट्रिक्ट मैं समझता हूँ हमारा सिटीज़ मलिर का जो वाइड डिस्ट्रिक्ट है, जिसके पास नेचुरल ग्रास के, नेचुरल ग्रास के तक 7 से 8 ग्राउंड है, और अच्छे वहाँ क्लब लेवल के गेम्स होते हैं, यूथ होते हैं, सारे खेल रहे होते हैं बच्चे वहाँ पर, काफ़ी टैलेंट है। लेकिन मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, नॉट ओनली माई टाउन, नॉट ओनली माई सिटी मलिर में फुटबॉल का हुआ है, फुटबॉल का टैलेंट हर जगह मौजूद है। आपको लाहौर में फैसलाबाद, चमन, क्वेटा, लियारी, गिलगित, चित्राल, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में आप देखें इतने अच्छे काउंटीज होते हैं, इस्लामाबाद में भी काफ़ी स्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है, गिलगित है और पेशावर है, आप 4 सदर, इस तरह बहुत सारे हमारे जितने रीजन हैं, वी हैव मतलब रिच ऑफ टैलेंट, फुटबॉल के बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन बात वही है कि प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं है, उस तरह का सपोर्ट, उस तरह का फाइनेंशियली वो नहीं है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं है। बाकी मेरा जो टाउन है मलिर, वहाँ तो एक डिफरेंट ही कल्चर है फुटबॉल का, इसी तरह हर सिटी टाउन का एक डिफरेंट कल्चर होता है। सर, आपके पर्सनल जो है वो कौन से ऐसा प्लेयर है जिसने आपको पहले इंस्पायर किया है, अभी आप उसको इंस्पायर होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी आप नाम लेना चाहें? अगर बहुत ही लेजेंडरी आप जाते हैं तो मैं ज़िनेदीन ज़िदान है जो फ्रांस का, तो उसके फॉलो में मतलब कि उससे इंस्पायर काफ़ी हुआ। फिर बहुत सारे और भी लेजेंडरी प्लेयर्स आए, बिको वक्त के साथ साथ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और जो प्लेयर ऑफ डिफरेंट, क्योंकि मैं मल्टीपल पोजीशन पे खेलता हूँ, तो इंस्पायरिंग तो उससे हुआ था, जब देख के उसके बारे में पढ़ते थे आता था। तो फिर उसके बाद अब तो रोनाल्डो, मेसी हर जगह हुआ है, तो हम क्योंकि हमारा प्रोफेशन फुटबॉल से, तो फुटबॉल हर दिन मॉडर्न होता जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम फॉलो अप में रहते हैं, प्लेयर्स ने क्या कर दिया। अच्छा, एक टाइम पे था कि भाई फुटबॉल सिर्फ स्किल था, अब तो माइंड टेक्निकल भी हो गया, और टेक्नोलॉजी भी आ गई उसमें, तो फिर फिजिकली भी आ गया, स्पीड भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें, फिर वो साइंस चल रहा होता पीछे। अब तो मॉडर्न फुटबॉल इतना हो गया कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट हो गई, आप आजकल जो फुटबॉल का डेटा होता है वो आपको USB लगा होता है, यू कैन प्ले आफ्टर द मैच, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपका डेटा आ जाता है कि आपने इतने क्लोरीज बर्न की हैं, इतना के वो मतलब कि आपने स्प्रिंट लगाए, ये सारी चीज़ें, तुम्हारा हार्ट बीट था, तो वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है। आप देखें, एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा हॉकी नेशनल गेम था जी, वर्ल्ड कप जीतता था, सब कुछ जीतता था, लेकिन अब हमारी टीम, हॉकी टीम जो है ना, वो क्वालिफाई नहीं कर सकती है। वजह ये है कि दूसरे लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हैं, हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्ड नहीं करते हैं स्ट्रक्चर, हमारी लीग स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है। आपको और ओवरसेज जो टेक्नोलॉजी चीज़ें, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें जब आप अपने लीग में या अपने स्पोर्ट्स उसमें नहीं लाओगे, तो यू विल नॉट बी इम्प्रूव, और वर्ल्ड जितने मेगा इवेंट्स हैं उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। सर, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि बतौर पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन, आपके अपना रोल किस तरह देखते हैं, और सब, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्योंकि जिस तरह क्रिकेट में देखते हैं कैप्टन का बड़ा एक हमें रोल नज़र आता है, फील्ड सेट कर रहा है वगैरह वगैरह, फुटबॉल में बतौर कप्तान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या रोल है आपका टीम में? यार, वैसे कप्तान का पूरे दुनिया के जो फुटबॉल को देखते हो डिफरेंट रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिफरेंट माइंड सेट है, यहाँ बहुत डिफरेंट रोल्स होते हैं, यहाँ कहते हैं ये कप्तान है, सारी जिम्मेदारी इसकी है। अगर सारी जिम्मेदारी अगर कप्तान की है तो उसको ने परफॉर्म भी करना होता है, उसने बहुत हाईली परफॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ कप्तान की जिम्मेदारियाँ फील्ड के अंदर
उसके साथ साथ बाहर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कप्तान पे डाल देते हैं। ये एक अजीब वो है हमारे कंट्री का। लेकिन ये है कि कप्तान मतलब के एक ऑनर है मेरे लिए कि हम अपने मुल्क को लीड कर रहा हूँ, और एज ए कैप्टन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन द फील्ड आउट ऑफ द फील्ड दोनों जी। लेकिन एज ए कैप्टन सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड है मैं समझता हूँ। ग्राउंड के अंदर कप्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसके बाद कप्तान का जो कोच के साथ जो है ना एक बेहतरीन कम्युनिकेशन को होना चाहिए आउटसाइड से, ताकि इन सिचुएशन अगली टीम कोई मूवमेंट ऐसा करे या वो अपने अपना सिस्टम चेंज करे या ऐसा चीज हो के वो अगली टीम स्ट्रांग हो या उसकी कोई भी, तो पुरानी कोच के साथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या कैप्टन के अंदर खुद कैपेसिटी होनी चाहिए वो गेम के रिदम को या अंदर जो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, आउटसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं नहीं समझता हूँ कि वो कप्तान की है। वो कुछ चीज़ें हैं कि उसको मैनेज करे, बाकी प्लेयर्स को खुद प्रोफेशनली मैच्योर होना चाहिए इज अ टीम गेम, कि वो खुद पता होना चाहिए कि मुझे टाइम पर सोना है, हमें टाइम पे नीचे आना है मीटिंग के लिए, टाइम के हर चीज़ का वो दूसरे प्लेयर्स को खुद ख्याल करना चाहिए। बाकी जो मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ है कैप्टन का रोल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड है कि अपने टीम्स के जो सारे मामला को अंदर जो है समटाइम होता है प्लेयर्स मिस कर जाता है या कोई कॉन्फिडेंस लूज हो जाए उसको बकअप करना, उसको सपोर्ट करना, प्लेयर्स को एज ए टीम अंदर लड़ाना, मतलब कि जो होता है अंदर जो सिस्टम होता है चल रहा होता है जो गेम का टेम्पो है डाउन करना हाई करना, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी दिन मेन कम्युनिकेशन होता है आपके कोच के साथ, कोच की जो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जो उन्होंने बताया है, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम आप अपने एक्सपीरियंस से एज ए कैप्टन आप बोलते हो, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग कोच से इतना अच्छा, कोच कहता है इसे गुड आप इसको कर सकते हैं, तो हम ड्यूरिंग द इन द फील्ड उस चीज़ को करते हैं और उससे रिजल्ट हासिल होता है काफ़ी। अच्छा लास्ट में आपसे ये सवाल होगा कि कोई वो लोग जो सदाम बनना चाहते हैं उनको आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी बस ये एडवाइस है कि आप मेहनत करते जाएं, बाकी चीज़ों पे फोकस ना रहें, अपने फिटनेस अपनी परफॉर्मेंस अपनी जो है ना न्यूट्रिशन उस पर फोकस रहें, और अपनी उम्मीदें अल्लाह से रखें और इस बिलीव के साथ जाएं। अगर आपने प्रोफेशनली कोई भी स्पोर्ट चूज़ करना है आपको ये पता होना चाहिए उसका फ्यूचर क्या है और आप ये स्पोर्ट्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनली, ये बहुत बेहतरीन मैसेज है। अक्सर हम लोग जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो बस शौक में खेल रहे होते हैं, फिर एक टाइम पे आता है उनका वो करियर प्रोफेशनल में बदल जाता है, तो उस टाइम वो एज चला जाता है कि अब वो सोचे कि मैं दूसरा स्पोर्ट चूज़ करूँ या क्या करूँ। तो स्पोर्ट्स जब भी कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशन में पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करना है यू हैव टू अवेयर कि मैं कौन से स्पोर्ट्स को चूज़ करूँ इज अ राइट एज इन अ राइट टाइम। आप अगर एक ऐसे शौकिया खेल रहे हैं क्रिकेट या फुटबॉल ऐसा एज 18 या 19 या 20 बहुत निकल गया, आप सोचेंगे यार मैंने ये गलत स्पोर्ट्स है मैं दूसरे तरफ जाऊँगा, इट्स टू लेट। सर राइट टाइम राइट डिसीजन कोई भी आप स्पोर्ट्स चूज़ कर रहे हैं प्रोफेशनली, बाकी एजुकेशन को ज़रूर कीप करें, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं कोई भी स्पोर्ट्स, उसके साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न फुटबॉल या मॉडर्न स्पोर्ट्स में एजुकेशन ही आपको सर्वाइव करेगा। अगर आप समझते हैं कि फुटबॉल या किसी भी गेम को बदलना है तो आपको एजुकेशन, आप प्रोफेशनली फुटबॉलर बंदा बन जाता है तो थोड़ा सा एजुकेशन भी उसी तरह एनर्जी मांगता है जैसा एक प्रोफेशनल फुटबॉलर फुटबॉल के लिए देता है, तो यू हैव टू बैलेंस इन चीज़ों को चलाए, यही बस मेरी बात। थैंक यू, बेस्ट विशेज हैं आप सबके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया और इसी एडवाइस जो कि मेरे ख्याल बहुत अच्छी एडवाइस है, और इस तरह की एडवाइस कम सुनने को मिलती है लेकिन बहुत ही ऑन पॉइंट थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और अंटिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़।